बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर पेट में दर्द हो तो ज़ीरा पीस कर शहद में मिलाकर चाट लें इससे पेट दर्द का आराम मिलेगा गाजर खाने से दिल की धड़कन नॉर्मल रहती है परिंदों का झूठा पानी पीने से दिमाग तेज़ होता है दोपहर खाने के बाद कैलूला करना बहुत ज़रूरी है इससे बुढ़ापा जल्दी नहीं आता अंगूर खाने से बलगम का ख़ात्मा होता है जो औरत नीले लिबास ज़्यादा पहने वो बहादुर होती है जिस औरत को ज्यादा पसीना आए वो कंजूस होती है इस होल का छिलका रोज़ाना इस्तेमाल मैदे की तेजाबियत से निजात दिलाता है खजूर खाकर फौरन पानी नहीं पीना चाहिए इससे मैदा खराब हो जाता है कच्ची गाजर हुसन में इजाफा करती है और नज़र भी तेज़ करती है क्या आप जानते हैं कि खौफ की वजह से आपको हार्ट अटैक आ सकता है और आप मर भी सकते हैं हकीम लुकमान ने फरमाया अगर तुम अपनी जवानी बरकरार रखना चाहते हो तो सुबह निहार मुँह नीम गर्म पानी के साथ खजूर का एक दाना खा लिया करो बकरे के पाए खाने से कुत में इजाफा और पट्ठे मजबूत होते हैं खाली पेट अदरक का रस पीने से 90 साल की उम्र में भी चेहरा अठारह साल की उम्र जैसा रहेगा मोटापे की वजह से अगर पेट बहुत ज़्यादा लटक जाए तो नाफ में तिलों का तेल दो से तीन कतरे रोज़ाना डाल दिए जाए तो इससे पेट बहुत जल्द अंदर हो जाएगा औरतों का पेट बढ़ जाने का इलाज बच्चों की पैदाइश के बाद अक्सर औरतों का पेट लटक जाता है इसका सबसे आसान इलाज ये है कि बंद गोभी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें अदरक और शलजम का इस्तेमाल करने से भी पेट अंदर चला जाता है रात को सोते हुए तंग पजामा या तंग कपड़े पहनकर सोने से गैस और कब्ज़ का मसला हो सकता है रफ़ हाजत के वक्त अगर ज़्यादा टाइम लग जाए तो समझ लें कि आपका मैदा कमज़ोर है नहाने के फौरन बाद धूप में नहीं बैठना चाहिए इससे चेहरे पर बारीक दाने निकल आते हैं सर्दियों में अगर जल्द बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाए तो जैतून के तेल की मालिश करनी चाहिए हमल के दौरान गर्म चीज़ें ना खाएं, इससे बच्चा कमज़ोर पैदा होता है चावल खाकर पानी पीने से पेट फूल जाता है पेट भरकर खाना खाने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है महीने में कम से कम एक बार मछली ज़रूर खानी चाहिए क्योंकि मछली खाना सेहत के लिए नहाय मुफीद है केले को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए और ना ही दूसरे फलों के साथ रखें सालों पुरानी कब्ज़ की बीमारी भी ख़त्म कब्ज़ को बर्दाश्त करने की बजाय ये तीन टोटके आज़मा कर देखें कब्ज़ एक तकलीफ दह कैफ़ियत है जो कुछ लोगों को मुख्तलिफ़ तिब्बी वजूहत की बिना पर मुस्तकिल भी रहती है कब्ज़ को बीमारियों की जड़ भी कहा जाता है आज हम आपको चंद ऐसे आसान टोटके बता रहे हैं जिन्हें आजमाने से आप सालों पुराने कब्ज़ के मर्ज से भी छुटकारा हासिल कर सकते हैं आजमाइ शर्त है सौंफ का पानी डेढ़ गिलास पानी में एक खाने का चम्मच भरकर सौंफ डालकर इतना पकाएं कि पानी सिर्फ एक गिलास रह जाए सौंफ का पानी छान कर निकाल लें और इसमें एक चम्मच कैस्टर ऑयल डाल दें और सबसे आखिर में इस पानी में एक खाने का चम्मच शहद मिलाएं। कब्ज़ फौरी दूर करने के लिए सौंफ का जादुई और जायकादार पानी तैयार है इसको रोज़ाना सुबह निहार मूँ या दिन में किसी भी वक्त पीने से सालों पुराना कब्ज़ का मर्ज भी दूर हो जाएगा लीमू पानी एक गिलास नीम गर्म पानी में लीम निचोड़ कर डालें इसमें थोड़ी सी अदरक और पुदीने के पत्ते डालकर पी लें चाहें तो अदरक का कहवा बनाकर इसमें लीमों का रस डालकर भी पी सकते हैं कब्ज़ दूर होने के अलावा जिसम से जहरीले और फासद मादे भी खारिज हो जाएंगे अंजीर का पानी अंजीर को साफ करके रात भर पानी में भिगो दें और सुबह में वो पानी पी लें और अंजीर चबा कर खा लें पेट फौरी तौर पर साफ़ हो जाएगा दूध से ज़्यादा कैल्शियम रखने वाला जौ का पानी कैसे बनाएं डॉक्टर बलकीस ने जौ का पानी पीने के कौन से फ़ायदे बता दिए जानिए आज की वीडियो में जौ का दलिया खाना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और ये एक बेहतरीन नाश्ता भी है लेकिन कुछ लोगों को ये खाना पसंद नहीं होता इसलिए आज हम आपको जौ का पानी बनाने का तरीका बताएंगे, जिसे पीकर आप जौ के ढेरों फ़वाद हासिल कर सकते हैं जौ का पानी बनाने का तरीका डॉक्टर बलकीस ने जौ का पानी बनाने का तरीका बताते हुए कहा है कि एक चौथाई प्याली साबित जौ लें और दो गिलास पानी में डालकर उबालें इसमें दो काली मिर्च कूट कर डालें और एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी पिसी लाल मिर्च डालकर इतना पकाएं कि सिर्फ़ एक गिलास पानी रह जाए फिर इसको छान कर पी लें जौ का पानी पीने के फ़ायद जौ का पानी गुर्दे और मसाने की बीमारियों में मुफीद है इसे पीने से गुर्दे से पत्थरी टूट खारिज हो जाती है जौ का पानी फाइबर से भरपूर होता है जिसकी वजह से इसे पीने से पेट भरा हुआ महसूस होता है और भूख नहीं लगती दूसरी तरफ इसके अज्जा पेट की चर्बी पिघलाते हैं जौ के पानी में एंटी इन्फ्लेमेटरी अज्जा पाए जाते हैं जिसकी वजह से इसे पीने और चेहरा धोने से जिल से दाख धब्बे साफ हो जाते हैं जौ के पानी में आयरन कापर और विटामिन भी की बड़ी मकदार पाई जाती है जिसकी वजह से ये खून बनाने और खून साफ करने में अहम किरदार अदा करता है माहरीन के मुताबिक जौ में दूध से 11 गुना ज़्यादा कैल्शियम मौजूद होता है जो इसे दांतों और हड्डियों के लिए मुफीद बनाता है ठहरे अगर आप भी चावल को इस तरीके से खाते हैं तो हरगिज़ ना खाएं, क्योंकि चावल का शुमार दुनिया भर में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली आम गज़ाओं में है इससे पाकिस्तानी इंडियन चाइनीज़ गर्ज़ ये के हर किस्म के खाने बनाए और खाए जाते हैं मगर लोगों का ख़्याल ये है कि चावल खाने से वज़न बढ़ जाता है और पेट भारी रहता है हर चीज़ का सही तरीके से इस्तेमाल करना ही इसकी अफादियत को बढ़ाता है लिहाजा अगर आप चावल को इस बताए गए तरीके से इस्तेमाल करेंगी तो ये कभी आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा और ना ही वज़न को बढ़ाएगा चावल अगर आप दाल के साथ खा रहे हैं तो परेशानी की बात बिल्कुल भी नहीं क्योंकि दाल में फाइबर और विटामिन है जो कि चावल के साथ खाने पर जिसम में ग्लूकोज की मकदार ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा और ना ही आपका वज़न बढ़ेगा गोश्त के साथ चावल खा रहे हैं यानी बिरयानी या पुलाव तो भी ठीक है ये हजम होने में वक्त लेता है लेकिन कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता नहीं गोश्त में क्योंकि फाइबर पाया जाता है लिहाजा इससे आपको नुकसान नहीं पहुँचेगा दूध चावल भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये भी आपकी सेहत पर कोई मुजर असर नहीं डालेगा चावल को महज शोरबे के साथ ना खाएं, क्योंकि खाली शोरबे में ना विटामिन है ना फाइबर इस तरह ये खाना आपका वज़न भी बढ़ाएगा और जिसम में ग्लूकोज़ की मकदार भी बढ़ा देगा तिहारी यानी आलू के चावल खाने से आपका वज़न बढ़ता है क्योंकि आलू में ज़्यादा कैलोरीज पाई जाती हैं और चावल के साथ खाने पर यह जल्दी हजम होने पर जिसम में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का सबब बन सकता है साबुन की टिकिया पर नमक छिड़क दो तो साबुन बहुत देर तक चलेगा पेशाब कतरा कतरा करके आना मैदा खराब होने की निशानी है अगर आपके सर में शदीद दर्द है तो पालक खाने से गुरेज करें क्योंकि पालक खाने से सर दर्द में इजाफा हो सकता है बकरी का दूध और सरसों का तेल मिलाकर बालों में अच्छी तरह से मसाज करें इस नुस्खे से बाल बहुत लंबे होते हैं रात सोने से पहले एक गिलास नीम गर्म पानी पी लें तो इससे अच्छी और जल्दी नींद आती है जो लोग आठ घंटे से कम नींद लेते हैं इन्हें दिमागी कमज़ोरी का मसला रहता है आठ घंटे से ज़्यादा सोना भी सेहत के लिए नुकसानदेह है अगर आप अपने चेहरे की जिल्द को खूबसूरत और चमकदार रखना चाहते हैं तो रोज़ाना आठ से दस गिलास पानी इस्तेमाल करें आई होप सो फ्रेंड्स आज की वीडियो आप लोगों के लिए नॉलेजेबल रही होगी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाएं और इस तरह की मुफीद मालूम के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़